पन्ना जिले के पवई एसडीओपी कार्यालय के सामने मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही एसआई भानु प्रताप सिंह एवं नगर परिषद फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। जब तक झोपड़ी खाक हो चुकी थी। झोपड़ी के आसपास रखे डिब्बों तक आग न पहुंच सके इसके लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी थी। सब्जी दुकान से जीवन यापन करने वाले इस परिवार की झोपड़ी में लगी आग से करीब 20,000 रुपए नकद, चांदी के गहने, गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारण अज्ञात बताया जा रहा है। मौके पर खड़े कुछ समाज सेवियों द्वारा राशि एकत्रित कर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी गई। पुलिस ने आगजनी का मामला कायम कर जांच में लिया है। 15-20 हजार रुपए का नुकसान हो गया सर हमारा। कैसे लग गई आग, कहाँ थी जवाब? हम बस स्टैंड चले गए थे, सब्जी बाजार जा रहे थे। क्या क्या सामान रखा था? सामान सब कुछ रखा था सर वहाँ पे। घर गृहस्थी का भी सामान था? सब पूरी गृहस्थी। क्या चाहती हो शासन से? जो कुछ हमारा गया है सर वापस मिल जाए। अनुमानित कितने का गया है सामान तुम्हारा? वहाँ तो कम से कम 50,000 से भी ज्यादा का। हमारी पूरी गृहस्थी रही है सर, हमारे पास तो कुछ ही नहीं बचा है। क्या काम करती हो? क्या नाम है आपका? पन्ना से राकेश पाठक की रिपोर्ट।